हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है रेखा साउथ किचन में। आज हम एक कप दूध और दो रोटी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, यानी मीठा बनाएंगे। आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा जूसी हमारा नाश्ता बनकर कंप्लीट होगा। ये ऊपर से भी सॉफ्ट है और अंदर से भी सॉफ्ट है, खाने में मजा आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो रोटी ले ली है। रोटी मेरी सुबह की है, बासी रोटी है, आप चाहें तो ताजी रोटी भी ले सकते हो। रोटी को हम तोड़ लेते हैं, बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं। तो लीजिए रोटी टूट चुकी है, अब एक मिक्सी ग्राइंड लेते हैं और इसमें रोटी को डाल देते हैं। अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रोटी ग्राइंड हो चुकी है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इसी तरह से आपको भी ग्राइंड कर लेना है। गैस पे पैन रख लेते हैं और एक कप दूध डाल दीजिए। आज का नाश्ता हम सिर्फ एक कप दूध से ही बनाएंगे। दूध आप किसी तरह का भी ले सकते हो, फुल फैट ले सकते हो और चाहे तो आप जो डेयरी वाला क्रीम निकलाता है वो भी ले सकते हो। दूध में उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। बस इसी तरह से मैं चलाती हूँ, बस इसी तरह से आपको भी चलाते चलाते दूध को गाढ़ा कर लेना है, या चाहे तो आप थोड़ी थोड़ी देर में दूध को ध्यान देते हुए आप इसे गाढ़ा कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध गाढ़ा हो चुका है, इसे मैंने थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लिया। ये देखिए रबड़ीदार हमारा दूध बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसमें मलाई भी बहुत ही अच्छी पड़ चुकी है, जैसी लच्छेदार रबड़ी होती है बस उसी तरह से दूध गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम 4 चम्मच शक्कर डाल देते हैं। मीठा आप अपने अनुसार से कम या ज्यादा कर सकते हो। अब शक्कर को भी घुल जाने देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शक्कर दूध में घुल चुकी है। अब इसमें मैं वही रोटी ग्राइंड की हुई डाल देती हूँ। ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, इसे आप स्टोर करके भी 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं और बिल्कुल खराब नहीं होने वाला है टेस्ट में। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध में रोटी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और रोटी ने दूध को एब्जॉर्ब भी कर लिया है। अब इसे थोड़ी बाइंडिंग के लिए हम डेसिकेट कोकोनट डाल देते हैं, यानी गरी का बुरादा। तो ये मैं डाल देती हूँ 4 से 5 चम्मच, आप अपने रोटी के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। रोटी में डेसिकेट कोकोनट भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए बाइंडिंग जैसी हमारी दो कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको भी इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो चलिए एक प्लेट लेके जल्दी से डो को ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि पैन हमारा गर्म है तो डो हमारा जल सकता है नीचे से, तो इसलिए आप तुरंत ही दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए। अब चलिए इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता हल्का हल्का सा ठंडा हो चुका है, यानी हम इसे छू सकते हैं। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। और इसमें साथ में आप ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं, इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग आएगी। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारा नाश्ता बनेगा। ये ऐसे भी आप खा सकते हो तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी सोचिए आप ये नाश्ता बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो ये कितना ज्यादा टेस्टी होगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इलायची और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा सा पोस्टर लेते हुए इसका हम शेप दे देते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से लंबाई का शेप दिया है, आप चाहे तो लड्डू का भी दे सकते हैं, चाहे तो पेड़े का दे सकते हैं। जिस तरह से आप शेप देना चाहें उस तरह से आप शेप बना सकते हैं। तो लीजिए ये देखिए मैंने जिस तरह से चमचम होता है यानी छेना लंबा वाला, बस उसी तरह से हमने सिलेंडर का शेप दे दिया है। तो बस इसी तरह से हम सिलेंडर के शेप की सारी नाश्ते को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने यहाँ पे तेल रख लिया है और तेल को गर्म भी कर लिया है, इसमें बहुत ही अच्छी हीट आने लगी है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और एक एक करके नाश्ते को डाल देते हैं। तो लीजिए मैंने सभी नाश्ते को डाल दिया है। अब बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा घुमाते हुए नाश्ते को पका लेते हैं, यानी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। गैस की फ्लेम लो ही रखना है, क्योंकि नाश्ता है ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए बस हल्के हल्के हाथों से घुमाते रहिए फोर्क की मदद से और इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे नाश्ता गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे उलट पुलट करके
हमने फ्राई कर लिया है, अब इसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं क्योंकि नाश्ता हमारा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, आराम से निकालना है। ये बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी हमारी बनकर कम्प्लीट हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा जूसी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर कम्प्लीट हो चुका है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। दो रोटी और सिर्फ एक कप दूध से बहुत ही जल्दी मीठा बनकर कम्प्लीट हो चुका है। कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।